नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज रूम पोस्ट में। मैं हूं आपके साथ रोशनी सिंह। हिमाचल प्रदेश में वाहनों के लिए वीआईपी नंबर लेने का जुनून लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है, जिसका ताजा उदाहरण शिमला कोट खाई में देखने को मिल रहा है। वीआईपी नंबर HP9999 के लिए आज 1,12,00,000 से ज्यादा पहुंच गई है, जो इससे भी अधिक जा सकती है। शिमला जिले के क्षेत्रीय लाइसेंस अथॉरिटी कार्यालय कोट खाई में ये सामने आया है। नंबर लेने के लिए 26 लोगों ने आवेदन किया है। नंबर लेने का रिजर्व प्राइस ₹1,000 रखा गया है। इसके अलावा 99 की ही सीरीज में अन्य नंबर की बोली भी लाखों रुपए में पहुंच गई है। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम ने प्रबंधक निदेशक अनुपम कश्यप ने बताया कि हिमाचल प्रदेश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब वीआईपी नंबर के लिए इतनी बड़ी बोली लगी है। अभी बोली के लिए कल का दिन भी शेष है, ऐसे ये राशि और ज़्यादा भी बढ़ सकती है। ये ट्रांसपोर्ट के लिए एक अच्छी बात है, क्योंकि घाटे में चल रहे ट्रांसपोर्ट को इस तरह के वीआईपी नंबरों को बेचने से आमदनी होगी। उन्होंने बताया कि ये नंबर स्कूटी का है या फिर दूसरे वाहन का, इसका पता कल शाम 5 बजे के बाद ही चल पाएगा। ये एक विभाग की सामान्य प्रक्रिया है। नंबरों की जो चॉइस नंबर होते हैं वो उसकी ई ऑक्शन रहती हैं, और उसी प्रक्रिया के तहत ये नंबर भी जो है इस तरह के नई सीरीज अभी ये जुब्बल और कोटखाई में खुली है, उस पर ये जो बिडिंग प्रोसेस है, जो साइकिल है, वो स्टार्ट हुई है। और अभी तो इसमें कल का दिन भी बचा हुआ है। 5 बजे ये क्लोज होती है, 4:59, 5 o'clock। तो इसमें सब लोगों को पास जो है वो अपनी बिड कर सकते हैं। और अभी हाँ, इतना ज़रूर है कि हमारे लिए भी बड़ी ये देखने की बात आई है, नई इस तरह से कभी इतना अमाउंट कभी गया नहीं है। लेकिन अब नंबरों में लोगों को क्रेज़ रहता है, लोग न्यूमरोलॉजिकल जो लोग इन चीज़ों में विश्वास करते हैं वो अपने चॉइस के नंबर को लेते हैं। तो शायद हो सकता है ये वजह रही हो, लेकिन या किसी की पर्सनल चॉइस भी ये हो सकती है। तो अभी फिलहाल इसका अमाउंट हमारे पास 1,12,00,000 के आसपास अभी जो बिडिंग जो है, लास्ट बिडिंग जो है वो चल रही है। और यही मात्र नहीं, केवल यही नहीं है, बाकी जो इस सीरीज में और नंबर भी हैं वो भी कोई 21,20,15,00,000 इस तरह से उस पर बिडिंग वहाँ पर चल रही है। कब तक चलेगी बिडिंग? बिडिंग का प्रोसेस कल शाम तक है, 5 बजे तक, और उसके बाद ही फ्रीज हो जाता है। और उसके बाद पता लग जाता है साथ साथ कि आपकी जो बिड है वो किस सक्सेसफुल बिडर को मिली है। तो क्या फाइनेंशियल एंगल तो इसमें रहता ही है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, ये मैकेनिज्म जो है ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म है। हर आदमी को एक मौका होता है कि वो अपनी चॉइस का नंबर लेना चाहे तो ले सकता है, और एक ट्रांसपेरेंट बिडिंग के माध्यम से पार्टिसिपेट इस सिस्टम में कर सकता है। तो इसमें लोगों की बहुत दिलचस्पी देखी गई है, और लोगों के पास एक वाइड चॉइस है, जो एक काफ़ी अध्ययन करने के बाद जो है वो जिसका निर्धारण किया गया है, और एक वाइड चॉइस जो है वो दी गई है। तो लोग अपने हिसाब से, अपनी चॉइस के हिसाब से नंबर लेते हैं। और सर, के हाईएस्ट बिड है इस बार की हिमाचल प्रदेश में खासकर बात करें? हाँ, अभी तक मतलब इतना हमने लार्ज स्केल का ट्रेंड अभी तो हमारे नोटिस में भी इतना बड़ा ट्रेंड तो पहली बार आया है। लेकिन ये नंबर जिस नंबर की हम बात कर रहे हैं, थोड़ा सा ये यूनिक नंबर है, क्योंकि इस सीरीज़ में 999999 करके ये मतलब एक यूनिक नंबर है। तो इस पे हो सकता है कि लोगों का अपने कुछ क्या डिफरेंट अपनी च्वाइस की वजह से कोई विशेष रुझान हो, तो एवरीबडी हैज़ इक्वल अपॉर्चुनिटी, लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एंड हम बाकी जो बेस्ट हाईएस्ट बिडर होगा उसको ऑटोमेटिकली क्या उम्मीद है आपको, क्या लगता है कि जब तक बिडिंग क्लोजिंग का टाइम चल रहा है तब तक तो इसमें कोई भी संभावना जारी रहने की हमेशा रहती है। और हम तो चाहते हैं मतलब जितना अधिक रेवेन्यू इसमें गवर्नमेंट को आए, अच्छी बात है। इसको देख सकते हैं, ये ऑनलाइन अवेलेबल है। इसमें 26 लोग अभी वर्तमान में जो है वो बिडिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं। तो और ये इस चीज़ की जानकारी नहीं लगती कि ये मतलब कौन सी गाड़ी है, क्योंकि अलग अलग गाड़ियाँ इन्वॉल्व हैं, तो ये तो इस चीज़ से पता नहीं लगता, क्योंकि आपके पास स्कूटी हो सकती है, किसी के पास कार हो सकती है, किसी के पास कोई और वाहन हो सकता है। तो ये सभी वाहनों के लिए खुला होता है। ये जब तक फाइनल प्रोसेस नहीं होता तब तक हम इसके बारे में, हमारे को जानकारी अवेलेबल नहीं है कि ये किस गाड़ी के लिए अवेलेबल है। कोटखाई से बाहुबल क्षेत्र है, ऐसे में इतने दाम पर नंबर बिके हैं, इस पर आश्चर्य नहीं किया जा सकता है। कोटकाई में नया SDM कार्यालय खुला है, ऐसे में 99 की सीरीज भी नहीं है। यही वजह है कि वीआईपी नंबर के लिए इस तरह की होर मची हुई है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें।